जब टीना मुन्नी की बेवफाई से नाराज संजय दत्त ने राजेश खन्ना पर तान दी पिस्टल। अपने पूरे करियर में संजय दत्त ने जितनी फिल्में की उससे कहीं ज्यादा रोमांस किया। उनका ये रोमांटिक सफर टीना मुन्नीम से लेकर मान्यता दत्त तक कई पड़ावों से होकर गुजरा, लेकिन पहला प्यार टीना मुन्नीम को वो शायद ही कभी भुला पाए। टीना को लेकर संजय दत्त इतने इम्पल्सिव थे कि जब टीना का नाम राजेश खन्ना से जुड़ने लगा तो गुस्से में बौखलाए संजय दत्त ने राजेश खन्ना पिस्तौल तान दी थी। पहली फिल्म रॉकी के साथ ही संजय दत्त इस फिल्म की हीरोइन टीना मुन्नीम के प्यार में गोते लगाने लगे। उन दिनों संजय दत्त ड्रग्स और अल्कोहल का हैवी डोज लिया करते थे। टीना को संजय की इन आदतों के बारे में ज्यादा पता नहीं था, लेकिन जब उन्हें पता चला तो उन्होंने संजय दत्त से दूरी बढ़ानी शुरू कर दी। संजय टीना को बेहद चाहते थे, उनकी ये दूरी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इस दर्द को भरने के लिए उन्होंने खुद को पूरी तरह शराब और ड्रग्स में डुबो दिया। संजय दत्त से दूरी बढ़ाने के बाद टीना मुन्नीम राजेश खन्ना के करीब आ गई। उन दिनों टीना और खन्ना सावन कुमार की फिल्म सौतन की शूटिंग कर रहे थे और मीडिया में उनके रोमांस के चर्चे खूब उछल रहे थे। इन खबरों से संजय दत्त काफी परेशान थे। उन्हें ये यकीन ही नहीं आ रहा था कि टीना उनसे दूर जा चुकी है। इसी बीच एक मैगजीन के कवर पेज पर खन्ना और टीना का एक फोटो छापा, जिसमें टीना केवल कुर्ता और खन्ना केवल लुंगी में पोज दे रहे थे। ये काफी अश्लील फोटो थी, जिसे देखकर संजय दत्त ने पूरी तरह अपना आपा खो दिया। एक दिन जब खन्ना और महबूब स्टूडियो में शूटिंग कर रहे थे तो संजय दत्त अपनी पिस्तौल लेकर सेट पर जा धमके। शूटिंग पर उनका सामना टीना से हुआ तो संजय उन्हें बुरी तरह गालियां बकने लगे, जिससे डरकर टीना अपने कमरे में भाग गई। अब बारी राजेश खन्ना की थी। सेट पर हंगामा सुनकर जब खन्ना अपने कमरे से बाहर निकले तो संजय दत्त ने उन पर गालियों की बौछार कर दी। अवाक खन्ना ने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे संजय दत्त और बौखला उठे। उन्होंने अपनी पिस्तौल खन्ना पर तानते हुए उन्हें चेतावनी दी कि वो टीना से दूर रहे। खन्ना ने इस पर भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। संजय दत्त गालियां बकते हुए सेट से बाहर चले गए। यही ये घटना थी जिसकी वजह से संजय दत्त और टीना मुन्नीम का रिश्ता पूरी तरह खत्म हो गया।